लाइट्स एक ऑफ है मेरे ख्याल से, ऑन करो बस, ठीक है। चलो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, फोरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। फोरफीचर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फोरफीचर, हिंदी में बता दो। अबे इतना भी संक्षिप्त में नहीं बोला तुमको मैंने, तुमने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मेरे को। हिंदी का मतलब है कि हिंदी में बता दो, सिर्फ मीनिंग तुमसे थोड़ी पूछा है। फोरफीचर का मतलब क्या होता है, ले ठंडे बड़े हैं सारे, अरे तेज लगा थोड़ा जान वान लगा के बोल लो, तुम बोल रहा तुम्हें आता नहीं है, ये देखो। भाई अभी इन 7-8 लोगों ने वही जवाब दिया जो तुमने अभी दिया है, 2 सेकंड पहले बस यही जवाब आया था, और मैंने कहा था कि ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया आपने, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। फोरफीचर का मतलब क्या होता है, शेयर छीन लेता है, अच्छा। जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल्स की पेमेंट नहीं करता तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर फॉरफिट कर लेती है, ठीक है। कॉल्स की पेमेंट जो होती है वो सिर्फ एप्लीकेशन पे करता है, क्योंकि एप्लीकेशन अलाउड होता है, और उसके बाद जो कॉल्स होती है, अलॉटमेंट हो चाहे वो फर्स्ट कॉल चाहे वो सेकंड कॉल हो, उन कॉल्स में से अगर वो किसी भी कॉल्स की पेमेंट नहीं करता तो उस केस में क्या होता है, उसके शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, और जो अमाउंट उसने पे किया हुआ है वो अमाउंट उसे वापस नहीं मिलता, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि जब फोरफीचर ऑफ शेयर होगा तो उसमें आप पिकली एक चार्ट ड्रॉ करोगे, चार्ट जब ड्रॉ करोगे तो क्या देखना सबसे पहले कि शेयर्स किस पे इशू हुए हैं, शेयर्स जब तक किस पे इशू होंगे, पार पे या फिर प्रीमियम पे। अगर शेयर किस पे इशू हुआ है, पार पे, तो जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होता है, क्योंकि इसकी वजह से फोरफीचर की वजह से आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो अगर आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर। फोरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है, कॉल्ड अप या पेड अप, पेड अप। जितना भी पैसा शेयर होल्डर ने पे किया है वो सारा पैसा हम फोरफीट कर लेते हैं और उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नोन एज शेयर फोरफीचर अकाउंट। उसके बाद हम कुछ रीजंस देते हैं कि हमने शेयर होल्डर के जो शेयर है वो क्यों फोरफीट किए हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, या तो उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया होगा या फिर उसने कॉल्स नहीं पे किया होगा। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अंदर क्या आता है, कॉल्ड अप अमाउंट, टू शेयर फॉरफीचर जिसमें क्या आता है, पेड अप, और फिर आप रीजन देते हो टू शेयर अलॉटमेंट या फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, जो भी रीजन हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं जहां पर होता है शेयर इशू डेट प्रीमियम। अगर आप शेयर को किस पे इशू करते हो, प्रीमियम पे, तो वहां पर फिर आपके दो ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, या तो प्रीमियम रिसीव हुआ है या फिर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। मुस्कान, ठीक है, शेयर अगर आपको रिसीव हुआ है, प्रीमियम अगर आपको रिसीव हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, बुला देना है, किसको बुलाना है, प्रीमियम को, ठीक है, किसको बुलाना है, प्रीमियम को। प्रीमियम को आप भूल जाओगे और उस केस में जो जनरल पास होगी वो कैसे होगी, एज कैश पार की तरह, ठीक है। और प्रीमियम को जब आप भूलोगे तो ऊपर भी और नीचे भी कहीं भी इंक्लूड नहीं करना, ना ऊपर वाली एंट्री में ना नीचे वाली एंट्री में, ना डेबिट में इंक्लूड होगा ना क्रेडिट में इंक्लूड होगा, ठीक है। और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तब साथ से चलेगा प्रीमियम, तो प्रीमियम आप ऊपर भी डेबिट करोगे और नीचे भी डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या होती है, अगर आपका प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहले डेबिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड होगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी रीजन हो, ठीक है। सर बुक्स निकालो, क्वेश्चन करते हैं, पहले पीछे से एक बुक मुझे दो, जल्दी से। और प्रैक्टिकल्स में आ जाओ फटाफट से, फोरफीचर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा। आप आ जाओ पेज नंबर 8.119, हाँ 118 जो भी है, प्रैक्टिकल्स में फोरफीचर ऑफ शेयर विच वॉर इशू डैट पार और इशू डैट प्रीमियम, दो टॉपिक आपको डिक्लेयर कर रखे हैं वहाँ पे उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले पार वाला है, एक ही केस करेंगे, सारे केसेस हम नहीं करने वाले, इतना टाइम तुम्हारे पास है भी नहीं, हो सकता तुम होमवर्क में करोगे। चलो अच्छा एक काम करते हैं, इसको तुम ही करोगे, ये मैं नहीं करा रहा, हम कुछ और करा देते, तुम्हारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। छाप छाप के कर देना तुम्हें, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देखने दो। हाँ इश्यू नंबर 38 निकालो, पेज नंबर 8.65।
38 या 37 जो भी होगा देख लो अपने अकॉर्डिंग। 38 हाँ, यहाँ बैठ जाओ, बुक्स दिखेगी आपको। थर्टी एट पेज नंबर है, 8.6 है, ठीक है। हाँ, द क्वेश्चन इज एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर, मिल गया सबको। चलो मैं रीड कर रहा हूँ, देखो कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूज 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ पार, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर, एंड द सेकेंड ऑन फाइनल कॉल 2 पर शेयर, ठीक है। आगे कह रहा है परम वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स, गिव नेसेसरी जनरलिटीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, क्लियर। अच्छा, केस नंबर वन कह रहा है कि इफ प्रणव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, अगर प्रणव ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया उसका शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, कितने शेयर तुमने इशू करे हैं, 5000 इक्विटी शेयर, उसके आगे एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का, और साफ साफ वो कह रहा है शेयर किस पे इशू हुआ है, पार पे, ठीक है, किस पे इशू हुआ है, पार पे। और वो कह रहा है कि कैसे कैसे पैसे मिल रहे हैं, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3, और फाइनल कॉल पे सेकेंड एंड फाइनल पे 2, ठीक है, दैट इज। उसके अलावा एक शेयर होल्डर है हमारा परम, जिसमें 40 शेयर्स लिए हैं, जिसने 40 शेयर्स लिए हैं, और केस नंबर वन उसमें लिखा हुआ है, केस नंबर वन कह रहा है कि परम जो है उसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं पे किया, मतलब उसने क्या पे किया, एप्लीकेशन दिया और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। हाँ, बोर्ड में देखो, तो जो परिणाम है केस नंबर वन में कह रहा है कि एप्लीकेशन उसने दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि उसके शेयर फॉरफिट कब हुए, अलॉटमेंट के बाद। केस नंबर वन में देखो साफ साफ उसने क्या कहा है कि प्रणव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, साफ साफ बोला है कि प्रणव ने अलॉटमेंट नहीं दिया और कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिया, कंपनी समझ गई इसकी औकात नहीं कि अलॉटमेंट के बाद पैसे दे पाए, ठीक है, तो इससे मांगना क्या है, बेकार, तो कंपनी ने मांगा ही नहीं, कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद मांगा ही नहीं। तो जब भी फॉरफीचर का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें से 2 से 3 चीज़ें ढूंढनी होती हैं, कौन कौन सी, एक कॉल्ड अप, एक पेड अप और एक एरियर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कॉल्ड अप, कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया मुझे बताओ, कॉल्ड अप बताओ, 5 कि 8 कि 10, कितना कॉल्ड अप किया है, 5, कैसे 10 कॉल्ड अप किया है, अरे पेड अप 5 का है, कॉल्ड अप ही 5 है, मैं कह रहा हूँ ये चीज बहुत टेक्निकल है। कॉल्ड अप इन सेंस क्या होता है कि कंपनी ने कितने रुपए मांगे, कंपनी ने उससे क्या मांगा, एप्लीकेशन उसने दिया, कंपनी ने उससे क्या मांगा, अलॉटमेंट उसने नहीं दिया, कंपनी समझ गई अब ये पैसे देगा नहीं, तो इससे माना क्या है, बेकार, तो उसने कहा बस अब तेरे शेयर क्या होंगे, फॉरफिट, ठीक है, जबत अब तेरे शेयर क्या होंगे, फॉरफिट, और इससे आगे हम तेरे से पैसे मांगे ही नहीं। तो कंपनी ने कितने रुपये मांगे, 5, कंपनी ने कॉल किए 5, तो कंपनी ने अगर कॉल किए 5 तो उसमें से पेड अप कितने हैं, 2, पेड अप कितने हैं, 2, तो जो डिफरेंस आता है कॉल्ड अप और पेड अप का वो कितना है, 3, और वो क्या है, एरियर, वो क्या है, एरियर। तो एंट्री क्या रहेगी बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, यहाँ पर जब मैंने कहा था फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप, ओके, शेयर्स कितने हैं, 40, और कॉल्ड अप कितने हैं, 5, कितना आएगा, कौन सी गणित पढ़ते हो बे, 40×5=400, तो बोल दूंगा मैं, ये मैथ्स के बच्चे 40×5=400 बता रहे मेरे को, इधर देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हमने कहा जो भी पैसा उसने पे किया होगा ये क्या होगा, फॉरफिट, अगर फॉरफिट करोगे तो कहाँ ट्रांसफर करोगे, सेपरेट अकाउंट में, और तो क्या नाम है, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो इसको भी मल्टीप्लाएंगे शेयर से इनटू में पेड अप, पेड अप कितने हैं, 2 रुपये,
और फिर आएगा आपका रीजंस यानी कि एरियर। एरियर उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। तो नाम किसका आएगा? अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 40 इंटू में कितने? 3 120 200 200। ठीक है, नरेशन में लिखोगे बिंग शेयर, बिंग परम शेयर इज फॉरफिटेड। क्लियर? ओके, केस नंबर 2 देखो। कौन सा 40? ये 40 क्यों आया? किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? पूरे शेयर थोड़ी फॉरफिट कर रहा है, किसके करेगा? परम के ना। हाँ, फॉरफिटर का मतलब है जिसने पैसे नहीं दिए। अब तो सबके शेयर फॉरफिट कर दिए, जिसने दे दिए उसके भी रख ले और उसके शेयर मत दे। ठीक है, ओके। तो जो डिफॉल्ट करेगा हम फॉरफिटर भी सिर्फ उसी का करेंगे, गलती की सजा उसी को मिलती जिसने गलती करी है। चलो केस नंबर 2 देखो। इफ परम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। लाइन का मतलब समझाओ मुझे, लाइन का मतलब समझाओ मुझे। उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि परम फेल टू पे अलॉटमेंट, अभी भी उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। बट कंपनी ने थोड़ा सा वेट किया, कंपनी ने कहा चल उसने अलॉटमेंट नहीं दिया उससे क्या मांग लेते हैं, फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं, क्या पता उसके पास पैसा आ जाए, लॉटरी लग जाए तो अलॉटमेंट और कॉल के पैसे एक साथ दे दे। पर जब उसने कॉल मांगा तो पता लगा इसके पास तो है ही नहीं, तो ये कॉल के पैसे भी नहीं देगा बस। लेकिन कंपनी की कॉल बढ़ गई। अब कॉल कहाँ पे हो गई है? यहाँ तक। तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 2, 3, 5 और 3, 8। कॉल्ड अप कितना हो गया? 8। पेड अप अभी भी कितना है? 2। पेड अप अभी भी 2 है। और एरियर कितने हो गए? अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पे कितना आ गया? 6। बाकी अमाउंट आप खुद होशियार हुई सारे डाल दोगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे पहुँचते। चलो कह रहा इफ परम फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑल सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल इज शेयर वर फॉरफिटेड। कह रहा थोड़ा और तरस खा लेते हैं, इस पे वेट कर लेते हैं, ये भी मांग लेते हैं, क्या पता इसके बाद सारे ही दे दें। वो थी ना होप, आस इंसान से कुछ भी करवा लेती है, तो ये वही चीज़ है। तो कंपनी भी आस में चल रही है, क्या पता हमें पैसे मिल जाए, और वो मांग दी गई, यहाँ तक पहुँच गई और फिर मिला कुछ भी उसको। तो अभी भी देखो तो कॉल अप कितने हो गए? पूरे 10। अब कॉल अप हो गए 10। ठीक है, कॉल अप हो गया 10 और पेड अप अभी भी कितना है? 2। एरियर कितना हो गया? 8। बस एरियर बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल है। चलो क्या हो गया? अच्छा बस 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 बोला उसने, कहाँ से दिया होगा उसने? बोला ये परम फेल टू पे द फर्स्ट। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। केस नंबर 3, सॉरी केस नंबर 3 में लिखा हुआ है ये परम फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। उसने बोला कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इस मीन्स कि ये रिटायर्ड क्लियर है कि उसने क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया। तो यहाँ पर जो पेड अप है वो बढ़ जाएगा 3 और, तो कितना हो जाएगा? 5। और एरियर भी कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ठीक है। तो उसने बोला कि वहाँ पे फर्स्ट कॉल उसने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया मतलब उसकी पहले की कॉल उसने दे रखी है सारी। ओके, एक क्वेश्चन देखना प्रीमियम का है कि वहाँ पे कोई, मैंने देखा था यार क्वेश्चन बट मुझे मिल भी नहीं रहा। अभी देख लेते हो। हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। रजिस्ट्रेशन नंबर 44, रजिस्ट्रेशन नंबर 44, 43 होगा कि बुक्स में, फर्स्ट बुक्स में 44, तरु 44, 44 मिला आपको। तो क्वेश्चन इस गौरव वाला है, SRCC लिमिटेड 43 होगा, सरगम के पहले है बेटा, उससे पहले ये क्वेश्चन है, जो सरगम वाला है उससे पहले है। SRCC, नाम चेंज होगा, बस नाम चेंज होगा, नाम चेंज होगा। अमाउंट इज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, प्रीमियम ऑफ 2 रुपये। परफेक्ट वाला है, न्यू बुक में। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ देखो। कह रहा है SRCC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। आगे कह रहा है द अमाउंट इज पेबल एज एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। और कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने? 3। आगे कह रहा है गौरव वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। गौरव कितने शेयर अलॉट हुए? 200 शेयर्स। एंड गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो 3 केसेस आपको दे रखे हैं। पहला केस
इफ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फोर्बिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, उसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं पे किया और उससे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगे भी नहीं और उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार लिख लूँ, इसके बाद करते हैं। क्या है क्वेश्चन, SRCC ना, कितने शेयर इश्यू कर रही है, 10,000 एट द रेट 10+2 है ना, 2 रुपए का प्रीमियम है, ओके। एप्लीकेशन पे कितने, 4, अलॉटमेंट पे 5, 3+2 और क्या है, क्या है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बस में फाइनल कॉल 3 रुपीज, ओके। और शेयर होल्डर कौन है, गौरव, गौरव एक शेयर होल्डर है जिसने कितने शेयर्स ले रखे हैं, 200 शेयर, जिसने कितने शेयर्स ले रखे हैं, 200 शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। और 200 शेयर्स में पहला वाला जो केस है, केस नंबर 1, उसने बोला है कि शेयर कौन कौन से पे किए और कौन कौन से नहीं। केस नंबर 1 में क्या लिखा है, इफ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो गौरव ने एप्लीकेशन दिया होगा, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और उससे ये मांगा भी नहीं गया, ठीक है, उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी भी नहीं गई है। अब क्वेश्चन जो है वो किसका है, प्रीमियम का, ठीक है। क्वेश्चन किस पे इशू हुआ था, शेयर प्रीमियम पे। तो यहाँ पर आप एंट्री करते हैं से पहले क्या देखोगे कि क्या प्रीमियम रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो मुझे बताओ प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ, है रिसीव हुआ, क्योंकि प्रीमियम किसके ऊपर था, अलॉटमेंट पे, क्या कंपनी को अलॉटमेंट मिला, नहीं मिला, मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो प्रीमियम चलेगा साथ साथ, ठीक है। तो साथ साथ चलेगा तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको जब वो मल्टीप्लाई करोगे तो किससे करोगे, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है, गलत, 4+5 9 नहीं है, क्योंकि 9 में क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम हटा के, प्रीमियम को अलग लिखना है आपको, ठीक है। जब आपको प्रीमियम रिसीव होता है तो भी आप प्रीमियम अलग लिखते हो, जब आप प्रीमियम डेबिट करो तो डेबिट क्या लिखोगे, अलग ही लिखोगे, क्लियर। तो कितने रुपये, 7 रुपये, ये हो गया आपका 1400, ठीक है, ये क्या हो गया 1400। उसके बाद क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम आ गया, कितने रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए का प्रीमियम है 200 शेयर्स पे, 400। फिर आप पैसे को फोरफिट करोगे और फॉरफिचर करके पैसे का ट्रांसफर करोगे शेयर फॉरफिचर में, क्लियर। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितने शेयर्स, 200, और 200 में क्या आएगा, पेड अप, क्या आएगा, पेड अप। अब पेड अप कितने हैं, 4, बस उसने एप्लीकेशन दिया था, तो 200 × 4 कितना हो गया, 800, और उसके बाद क्या आएगा, एरियर, तो एरियर के नाम पे आपके पास क्या है, अलॉटमेंट। क्या उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, क्या उसने फर्स्ट कॉल दिया, उससे मांगा ही नहीं गया था, वो तो होगा ही नहीं, तो 200 × 5 याद है, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम रहेगा, जब आपने ऊपर रखा तो नीचे भी रखोगे, 2 × 5 कितना, 1800, ठीक है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, नोट कर लो इसको, और इसका केस नंबर 2 करके दिखाओ मुझे, चलो केस नंबर 2 करके दिखाओ, एक्चुअली केस नंबर 2 छोड़ो, केस नंबर 2 ही करो, 2 तो मैंने समझा दिया, 3 करो, हाँ 3 करो जल्दी से, तो नोट करके केस नंबर 3 करके दिखाओ, उसके बाद हम रीइशू करेंगे, अभी मेरे पास पूरा आधा घंटा है, तो मेरे पास 5 मिनट है, नोट भी करना है और एक क्वेश्चन भी करना है, नोट करके एक क्वेश्चन करना है, 5 मिनट, 35 पे मैं वापस पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा।
छोड़ दे तू आलस अब जीत का आगाज कर, कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है सोच जिसकी ऊंची बड़ा सपनों का साइज, सेक्रीफाइस कर दे नींद सेक्रीफाइस तेरा फोन सेक्रीफाइस सारे दोस्त सेक्रीफाइस कॉम्फर्ट जोन फेसबुक लॉग आउट फुल पावर वर्क आउट किताबें उठा लो पूरी टीम को बुला लो बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो अब ना किस्मत को कोसे ना किसी के भरोसे खुद से समर्पण खुद को परोसे मुश्किल हो वक्त तो कमांडो हो सख्त जख्मी है ठीक से भी हंसता कम वक्त।